कैसा बना है तक्षु? वाओ वाओ बना है। डैडू काम कर रहे और आप पापा को ब्रेकफास्ट करा रहे हो हैं? चैनल, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हम भी बहुत अच्छे हैं। तो अभी टाइम हो रहा है 12:30 और मैं जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए तक्षु को लेकर, और रास्ते में मिलेगी मेरी बहन। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि आज हम कहाँ जा रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि मुझे दिवाली की भी शॉपिंग करनी है थोड़ी बहुत। मेरे देवर की शादी है तो मुझे उसके लिए भी थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी है। तो देखती हूँ मुझे क्या क्या मिलेगा और मैं आप सबको भी दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या शॉपिंग कर रही हूँ। तो आओ मेरे साथ। चुके हैं मार्केट और मुझे मेरी सिस्टर मिल गई थी और हम तक्षु को भी साथ लेके आए हैं और ये बहुत शैतानी कर रहा है। गाजियाबाद तुराव नगर की मार्केट से शॉपिंग करने का अपना अलग ही मजा है। तो तक्षु के साथ थोड़ी बहुत हमें प्रॉब्लम हो रही है, बट कोई सह लेंगे और देखते हैं क्या क्या खरीदेंगे हम। तक्षु बेटो इधर आओ, मम्मा को दो वो वाली सैंडल। हाँ यही वाली। सो फ्रेंड्स आज है डे सेकंड। कल मैं आके इतना ज्यादा थक गई थी, मैंने फिर उसके बाद बिल्कुल भी शूट नहीं करा। और क्योंकि आपको पता होगा शादी और दिवाली की शॉपिंग एक दिन में नहीं निपट सकती है, तो आज राहुल फ्री है। मैं आज राहुल और अपने क्यूट बेबी तक्को के साथ जा रही हूँ शॉपिंग करने के लिए। आज मैं राहुल और तक्षु जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। देखते हैं आज हम क्या क्या खरीदेंगे। शादी की थोड़ी बहुत शॉपिंग तो हमारी हो चुकी है, बस हमारी अब दिवाली की शॉपिंग रहती है। और अगर हमारी शादी में थोड़ा सा शॉपिंग की कमी रहती है तो मैं राहुल के साथ करूंगी कंप्लीट। राहुल मुझे बताएंगे कि अभी क्या क्या लेना है। और तो तक्षु के हमने कपड़े ले चुके हैं, राहुल के भी कपड़े ऑलमोस्ट कंप्लीट है, बची मैं। तो आज मेरे कपड़े डन होंगे, तो चलो देख। हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है तो फिर अब हम निकलेंगे दिवाली और मेरे लिए शॉपिंग करने के लिए। तो चलो आओ मेरे साथ। हैं? कल भी पिया था और आज ही पी रहे, बल्ले बल्ले हो गई है तो तक्षु की, बल्ले बल्ले। हैं? जैसी देखी दुकान वैसी। तक्षु मुझे भी पीना है स्ट्रॉ देख के, और कुछ मतलब नहीं है। सोच रहा कि स्ट्रॉ में से पता नहीं क्या निकलता है, मैं यही पीऊंगा। हैं? अच्छा लगा है? तक्षु को अच्छा लगा है?
देखती कितना प्यारा लग रहा है। ये भी अच्छा लग रहा है, ये पूरा पेयर है ना, नीचे से लेके ऊपर तक का ये पूरा। ये पूछ रहे इसका ये कितने का है, पति ये पति। ये भी अच्छा लग रहा है, हैंगिंग वाला। फिलहाल हम मार्केट से आ चुके हैं और 8:30 हो गए हैं और मैंने खाना वाना सब कुछ बना दिया है, तक्षु को भी सुला दिया है मैंने खाना वाना खिला के। और जो मैंने शॉपिंग करी है मैं वो आपको दिखा देती हूँ कि हमने क्या क्या शॉपिंग करी है। मैंने अपने लिए शादी के लिए लहंगा ले लिया है और छोटी मोटी शॉपिंग करी है जिसमें मैंने तक्षु के गर्म कपड़े लिए हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। और तक्षु के लिए दिवाली के लिए भी कपड़े लिए, राहुल के लिए भी शादी के लिए कपड़े रेडी हो चुके हैं। तक्षु के लिए मैंने थोड़ी बहुत सर्दियों के लिए शॉपिंग भी कर ली है जिसमें मैंने तक्षु के लिए गर्म पजामिया ली है, इनर लिया है मैंने तक्षु के लिए, 2 इनर ले लिए हैं और एक गर्म पजामी और लिया है मैंने ये, और एक ये लिया है मैंने तक्षु के लिए, ये सेट है दोनों, और एक सेट ये वाला लिया है मैंने ठंड के लिए, विंटर जैसे आ ही रही है अब तो मैंने सोचा जल्दी जल्दी तक्षु के लिए लगे हाथ ये भी ले ही लेती हूँ। और दिवाली के लिए लिया है मैंने तक्षु के लिए ये कुर्ता पजामा। तो इस बार मैंने तक्षु के लिए येलो कलर लिया है दिवाली के लिए, और इसके ऊपर नीचे से ये धोती है, धोती और ये कोटी ऊपर से, और जो तेरी नन का बेबी है ना उसके लिए भी सेम ऐसे ही लिया है हमने। ये वाला ट्राउजर आजकल बहुत चल रहा है तो मैंने अपने लिए एक ये लिया है, राहुल बोलने लगे कि अच्छा लग रहा है ये ले लो एक, तो एक ये लिया है। और अभी थोड़ी बहुत शॉपिंग और रहती है तो वो धीरे धीरे करके निपटेगी, और घर की अभी सफाई भी करनी है, साफ सफाई करनी है पूरे घर की, तो देखते हैं धीरे धीरे करके कैसे कैसे मैं करूंगी। और मैंने तो ये प्लान करा है कि मैं दिवाली में साड़ी पहनूंगी, तो बाकी और देखते हैं कि क्या होता है, मेरा मूड अगर चेंज हो गया तो मैं कुछ और भी पहन सकती हूँ। वैसे मेरे पास एक गाउन भी है, लहंगा भी है एक, और उनमें से मुझे अभी सिलेक्ट करना है कि कौन क्या पहनना है मुझे, अभी तक मैं सिलेक्ट भी नहीं, अभी लाइटिंग वाइटिंग भी करनी है, तो देखते हैं कैसे कैसे होगा, क्योंकि शादी भी है और दिवाली भी है तो दोनों की शॉपिंग भी हो रही है और दोनों का काम भी एक साथ ही चल रहा है। तो फिर अब मैं ये वीडियो करती हूँ यही एंड, और वीडियो मैं यहाँ पे एंड करने से पहले एक चीज आप सबसे जरूर कहना चाहूंगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा वो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।